माई चैनल दीप्स किचन। आज मैं जा रही हूँ बनाने चिकन और साथ में दे रही हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट अचार वाली मस्ती का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बनाना। चिकन लिया है मैंने हाफ के जी के करीब, आधा किलो के करीब मैंने ये चिकन लिया है। और ये जो चिकन है ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे मैं एक बाउल में डालूंगी। ये मैंने बाउल में डाल दिया है चिकन को। इसमें मैं मैरिनेट करने के लिए डालूंगी, ये मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट मैंने डाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। इसमें मैंने डाली है कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली, कर्ड 1 कप के करीब जाएगा। साथ ही मैं इसमें डालूंगी अचारी मस्ती, इसमें मैं डालूंगी अचार का मसाला 1 टेबल स्पून। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे मैं आधे घंटे के लिए, 1/2 आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। इसे आधा घंटा हो गया है, अभी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। पैन मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं बटर डालूँगी, साथ ही मैं इस पर डालूंगी रिफाइंड ऑयल, 1 serving spoon के करीब जाएगा रिफाइंड ऑयल। बटर और रिफाइंड ऑयल मेरा मेल्ट हो गया है अच्छे से, बटर मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। रिफाइंड ऑयल इसलिए डाला है, अगर बटर सिर्फ डालेंगे तो बटर जो है वो जल भी जाता है, जल भी सकता है, इसलिए हम साथ में थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे, जिससे कि इसमें फ्लेवर भी अच्छा आएगा और साथ ही जब आप चिकन खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का लगेगा। जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही लगेगा आपको खाने में। इसमें मैं अब चिकन पीस डालूंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो करी हुई है, स्लो फ्लेम पर ही मैं डालूंगी ये। सारे पीसेस मैं इसमें डाल के, सारे पीसेस डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने सारे चिकन डाल दिए हैं इसमें, अब मैं इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। ये मेरे एक साइड से हो गए हैं, अब मैं इन्हें सबको टर्न कर लूँगी, इनको मैं सबको टर्न कर लूँगी, जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से बन जाएंगे, पूरे अच्छे से ये पक भी जाएंगे और ये अच्छे से ये शैलो फ्राई भी हो जाएंगे। सबको मैं अच्छे से ये टर्न कर लूँगी 1 by 1। कितना अच्छा आया है इसका कलर भी देखिए, कितना अच्छा आ रहा है बनके, बहुत अच्छे से ये हो गए हैं शैलो फ्राई, इसका कलर बहुत प्यारा आया है बनके। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे दोनों तरफ से हो गए हैं, अच्छे से बन गए हैं ये, और अब मैं इसको निकाल लूँगी, इन सबको मैं प्लेट में निकालूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर तक अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये हमारे बन गए हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं पूरे। इनको सबको मैं पैन में से निकाल लूँगी। लीजिए फ्रेंड्स रेडी है बनके हमारा चिकन अचार वाली मस्ती के साथ।
आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।